तो इस तरह का नज़ारा है जामोल में सड़कों का। आप सबको मेरा नमस्ते। क्या बोलूँ, आप लोग वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, मम्मी को भी बतलाता हूँ, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उनको यकीन नहीं होता कि आप सब इतना सपोर्ट और इतना प्यार कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, दिल एकदम, मैं पास शब्द ही नहीं है। सोचा नहीं था कि आप लोग मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे। ऐसे तो मैं घूमने फिरने का ही ब्लॉग करता हूँ, लेकिन ये डेली रूटीन वाला जो लाइफ स्टाइल है, मैं मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मेरे लिए तो भाई क्या बताऊँ मैं। तो बस इसी तरह से प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। एक भाई है जो मुझे कमेंट किए थे कि जामोल का भी भाई वीडियो बनाइए, जामोल का अभी तक किसी ने भी व्लॉग नहीं बनाया है, तो मैं आज आप लोगों को अपने भिलाई का जामोल सिटी दिखलाने वाला हूँ, जामोल गाँव दिखलाने वाला हूँ, ACC फैक्ट्री भी दिखलाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सुंदर नगर है, यहाँ से लेफ्ट साइड जाओगे तो सुंदर नगर है, बहुत अच्छा नगर है ये भी। तो इधर से होते हुए अपन चलेंगे जामोल। आज मैं आप लोगों को जामोल मार्केट और जामोल गांव दोनों दिखलाने वाला हूँ। और ये पुलिस चौकी है सुंदर नगर का। इस साइड भी अच्छे मार्केट हैं, बड़े बड़े दुकानें खुल चुके हैं, यहाँ पर खुले हैं होंडा, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर कर के बोलते हैं। ये है तिलक भवन, यहीं पे हमारे भाई का शादी हुआ था। ये है वैशाली नगर का कॉलेज। यहाँ पे सब्जी मंडी लगता है, अब वो कौन सा दिन लगता नहीं पता, लेकिन हाँ लगता ज़रूर है। इस तरह से रोड किनारे यहाँ पे दुकानें लगे हुए हैं फल फ्रूट सब्जी के। और ये सुंदर सा चौक है, अगर मैं सीधा भी जाऊँगा तो भी मैं ACC चौक निकल जाऊँगा, अगर मैं अंदर होते हुए निकलूँगा, यानी कि यहाँ से लेफ्ट, तो मैं अंदर अंदर निकलूँगा आप लोगों को दिखलाते हुए। ये सुंदर सा पेट्रोल पम्प इस तरह से लगाए हुए हैं मार्केट, फल फ्रूट के, सब्जी के, खिलौने भी बेच रहे हैं। KH मेमोरियल स्कूल इस साइड है। 1BHK 2BHK, सीधा निकलूँगा तो भी ACC चौक निकलूँगा कैलाश नगर होते हुए, लेकिन मैं यहाँ से लूँगा, अंदर अंदर चलेंगे आप लोगों को यहाँ दिखलाते हुए। आई होप कि यहाँ कोई भी वीडियो नहीं बनाया होगा। ये सुंदर सा नगर है, अच्छी सोसाइटी है बोल सकते हो आप, बड़े बड़े घर हैं, एक गुरुद्वारा भी है, ये कालीबाड़ी विद्या मंदिर। आगे में एक गुरुद्वारा है जो कि बहुत खूबसूरत है, यहाँ भी लगा हुआ है फल वगैरह का दुकान। तो ये है गुरुद्वारा, एक दफ़ा बस आया था इसी गुरुद्वारे में मैं पूजा करने के लिए। इस साइड मैं मेरे दोस्त जब हम लोग की जॉब चली गई थी तो हम लोग यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे मस्त इस तरह से जो बहना हुआ है वहाँ पे बैठ के हम लोग समोसा खाते थे। अब वो दोस्त से मुलाकात तो होता नहीं है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। शाम के समय में यहाँ पे चौपाटी लगता है इस खाली एरिया में, और हम लोग यहाँ बैठते थे, वो यहाँ समोसा यहाँ पे बनता था, ये चौक पे क्रिकेट मैदान जहाँ पे लिखा हुआ है। सुंदर सा मंदिर सामने में आपको दिख रहा होगा, ACC सीमेंट फैक्ट्री। यहाँ भी मैं आया था अपना रिज्यूम देने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अधिकतर लोगों का परमानेंट हो गया था। ये इस तरह से बहुत सारे प्लांट है, बहुत
यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती रहती है इस रोड में। तो ये आ गए हम एसीसी चौक। इसको एसीसी चौक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सामने में है फैक्ट्री और इस चौक को बहुत सुंदर से बनाया हुआ है। तो इसी के अंदर अंदर चलते हैं हम लोग। एक साइड इसलिए आने जाने दे रहे हैं क्योंकि इस वाली रोड में बड़े बड़े ट्रक आना जाना करते हैं और यहाँ पे लाइन से ट्रक खड़ी रहती है अपने अपना माल लोडिंग करने के लिए, इसलिए इस रोड को खोला हुआ है। इतना बड़ा सा प्लांट है एसीसी, अगर इसमें मेरी नौकरी लग जाती तो भाई क्या कहने थे, शायद मैं आज यूट्यूबर नहीं होता, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया होता और भिलाई को इतने बारीकी से शायद ही दिखला पाता कोई। यहीं पे नाश्ता करते थे हम लोग, डेली आते थे कि सर हमें रख लो ना सर, हम लोग जेपी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे करके। सामने जो गेट दिख रही है पहले नहीं था, अब तो टोटली बंद कर दिया है। नहीं तो इस साइड से भी आना जाना करते थे लोग, अब इस तरह से घुमावदार रोड बना दिया है। तो हम लोग जीत करते थे सर हमें रख लीजिए, प्लीज़ रख लीजिए, हमने पूरा नॉलेज है सीमेंट फैक्ट्री के बारे में। ये सुंदर सा बना दिया, पहले नहीं बना हुआ था, ये हाल ही में बना हुआ है। जब हम लोग आ रहे थे ना तो इसका काम चल रहा था। ये सुंदर सा मंदिर है और यहाँ पे एक पूरा कॉलोनी पूरा बसा दिया है, मतलब कि एक बोला जा सकता है कि एक सिटी बसा दिया है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री ने। ये आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉलोनी है ये, तो जो एसीसी में जो परमानेंट है उन लोगों को रहने का व्यवस्था दिया गया है कंपनी की तरफ से। बहुत अच्छी व्यवस्था है एसीसी का, इतना जेपी सीमेंट फैक्ट्री में नहीं था। और ये है फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा। हम लोगों को इसके पूरे नॉलेज है कहाँ पे क्या होता है कहाँ पे क्या नहीं होता है। ये देखो कितना सुंदर सा बनाया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एसीसी, यहाँ से भी एंट्री है। अब मैं आप लोगों को यहाँ का मार्केट दिखलाता हूँ जामुल का। ये सुंदर सा चौक, यहाँ लगा है फल फ्रूट की दुकानें और ये एक मार्केट है पूरा। जब मैं पहली दफ़ा आया था ना जामुल देखने के लिए, एसीसी प्लांट को देखने के लिए, तब मैं दंग रह गया था। इतना खूबसूरत, हर चीज़ एकदम मेंटेन करके बना हुआ है, यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अपन जेपी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर करके ना वहाँ की गंदगी को देख लिए थे, तो मुझे सच में यकीन नहीं होता था कि इतना साफ सुथरा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ काम करते थे वहाँ पे किसी चीज़ का कोई नियम कानून नहीं था, यहाँ पे हर एक चीज़ का नियम कानून है। जैसे कि अपन लोग सेफ्टी के लिए जो हेलमेट आता है, अगर इसको नहीं पहने हो तो भी आप काम कर सकते हो, पैर में जूते नहीं हैं तो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ का नियम कानून अलग है। यहाँ आपको सेफ्टी पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, अगर सेफ्टी का एक भी चीज़ नहीं है तो आपको वापस कर दिया जाता है घर। तो ये है जामुल, मतलब के सी सी सीमेंट फैक्ट्री तो बहुत पुराना फैक्ट्री है। इस साइड उसी के नाम से आना जाना करता था मैं, तो यहाँ के बारे में थोड़ा नॉलेज मिला मुझे। बड़े बड़े ब्रेकर है भाई इस साइड में। आगे है मेन मार्केट, इस साइड बहुत अच्छे अच्छे जगह है घूमने लायक, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो लंबा हो जाएगा। भाई के साथ में आया था इस साइड में, जब मेरे भाई के लिए लड़की देखने के लिए हम लोग इधर उधर छानबीन कर रहे थे तो इस साइड भी आना हुआ था हम लोगों का। इस साइड भी अपने कास्ट वाले लोग रहते हैं। तो ये मार्केट है, इस साइड में अभी बारिश हुई है,
हमारे तरफ तो अभी बारिश नहीं हुआ है, पे लगता है सब्जी मंडी। यहाँ पे एक गली गई हुई है, ये यहाँ पे अपन मेन मार्केट में आ गए हैं। कंडीशन वैसी है सड़क की जैसे पहले था, सड़क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह का नज़ारा है जामुल में, सड़कों का बहुत गंदा हालत है। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े गाड़ियां आ रही है इस साइड। इस साइड भी कुछ है, पता नहीं क्या था वो। तो बस यही है अपना जामुल गांव, भिलाई एयरपोर्ट 3 किलोमीटर, नंदनी अईवारा 10 किलोमीटर। अगर सीधा सीधा निकलूँगा, नंदनी अईवारा निकल जाऊँगा, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ रिटर्न। अरे यार, इस सड़क बनाने पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा खटारा रोड है इस साइड। जगह जगह खड्डे हैं जामुल में, पूरा रोड है इसी है, खड्डों से भरा पड़ा है।